सरकार और केंद्र सरकार का जो पुतला दहन करके हम लोगों ने विरोध किया है, विरोध के माध्यम से हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि आज अगर आदिवासी जंगल में है तभी आदिवासी जंगल सुरक्षित बचा हुआ है। चूंकि 2006 में जिस प्रकार का कानून बना हुआ था, वन पट्टा का अधिकार दिया गया था, उसे पूरी तरीके से खारिज करके आज वहाँ से जंगलों से हटाने का बात सरकार करती है। चूंकि ये सरकार कॉरपोरेट घराने के हाथों बिक चुकी है और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि कॉरपोरेट घराने की दलाली चमचागिरी करना बंद करें, अन्यथा ये आदिवासी आज पूरे भारत में 15 करोड़ के आसपास है। जब आदिवासी बिगड़ेगी तो ये देश में गृह युद्ध की ओर चला जाएगा और सरकार को उखाड़ के फेंक देगी। ये बहुत ही दुखदाई है और वर्तमान की सरकार जो 2014 में आई थी, पूर्ण बहुमत की सरकार, हमने सोचा था कि आदिवासियों का जो यहाँ पे रह रहे हैं उनका भलाई होगा, उनका जो है अधिकार मिलेगा। लेकिन पिछले दिनों जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया है कि जो वन पट्टा का अधिकार होता था आदिवासियों का, एक आदिवासी को बारे में बताना चाहूँ कि वो सरल स्वभाव के होते हैं, उनमें जो जटिल प्रक्रियाएं होती उनकी जानकारी नहीं होती, वो संचार के माध्यम से कटे हुए रहते हैं, अखबार से भी कटे हुए, दूर दराज जंगलों में रहते हैं। तो 2006 का जो अधिनियम था सर वन अधिकार का, उसको हनन करने का काम यहाँ पे किया गया है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी डेट्स पे सरकार को पक्ष रखने का मौका दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, वो पक्ष नहीं रखा गया सरकार के द्वारा, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे पूरे आक्रोशित है। तत्वाधान में राज्य सरकार केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। आपको पता है कि विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया 2006 वन अधिकार कानून को निरस्त करने का काम किया गया है और सरकार का चुप रहना ये साफ मनसा से लगती है कि सरकार नहीं चाहती है कि हमारे आदिवासियों को, वनाश्रित परिवारों को न्याय मिले या उनका जन जंगल जमीन का अधिकार मिले। और सरकार अपने तरफ से पूरी मौन रही और सरकार नहीं चाहा कि हमारे लाखों आदिवासी जो आज बेघर होने के पर है, सरकार चाहती है कि पूंजीपति कॉर्पोरेट घराने को उनका फायदा पहुंचाए, इसलिए सरकार अपने तरफ से किसी भी वनाश्रित परिवार और आदिवासियों के हित में पक्ष रखने के लिए अपना वकील तक नहीं भेजा।